This should not happen underwater. इसका बेल्ट टूट गया गाइस, देखो रियली पेनफुल, अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है. गुड इवनिंग गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग. है ना गाइस, अभी आ चुका हूँ फिर से बैक टू फुकेट. फुकेट नहीं, एक्चुअली मैं पातोंग में हूँ. अभी पातोंग पहुंच के ना मैं मतलब रूम चेक इन कर लिया हूँ. इस रूम पहुंचते ही मुझे मिल गया सरप्राइज. एंड सरप्राइज क्या है पता है गाइस? हैदर ने रूम बुक किया था पातोंग के एक द क्लोव होटल. होटल का नाम द क्लोव होटल है. एंड गाइस देखो रूम एंटर में क्या है ये, जैसे कि मैं सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ गाइस. मतलब बेड का डेकोरेशन देख के ऐसा लग रहा है. और थोड़ा गर्मी है, यहीं पर है पातोंग बीच गाइस. आई एम नियर द बीच एक्चुअली. यहाँ पर है पातोंग बीच. अभी सनसेट हो रहा है, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना. एंड दिस इज द होटल वेयर आई एम स्टेइंग, द क्लोव होटल. बहुत ही अच्छा है गाइस. तो चलो गाइस अभी थोड़ी देर बीच साइड जाते हैं एंड यहाँ का नाइट लाइफ थोड़ा बहुत इंजॉय. अभी थाईलैंड छोड़ के जाने का टाइम भी आने वाला है तो कुछ दिनों के लिए मस्ती कर लेते हैं. अभी गाइस देखो यहाँ पर वाटर सर्फिंग भी कर सकते हैं, तो ये तो मैं करूँगा कल. यहाँ पर एक्चुअली सीखने के लिए है. होटल एक्चुअली रोड के बिल्कुल सामने में है, तो एकदम वॉकेबल डिस्टेंस. यहाँ पर बीच भी एकदम सामने में है, वैसे वॉकिंग करते करते जा रहा हूँ गाइस. यहाँ पर फूल भी बेचते हो. Nice. अभी ना यहाँ पर स्ट्रीट में आ रहा था एंड मैं सोचा यहाँ पर क्या करूँ, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस. एंड आप लोग पता है मैंने ना फीफी आइलैंड में स्नॉकलिंग किया था सिर्फ, लेकिन स्कूबा डाइविंग नहीं किया था. तो आप लोगों को पता है एडवेंचरर एक्टिविटी में मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ. सो फाइनली यहाँ पर पातोंग में शायद कल कौन सा वाला, वी आर गोइंग टू राया आइलैंड एंड आई एम गोना डाइव लाइक स्कूबा डाइविंग करने वाला हूँ. सो लेट्स गो, कल का सीन क्या होता है नेक्स्ट वाला ब्लॉग में देख लेना. एंड गाइस हमारे नेपाली भाई लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं फ्रॉम म्यानमार. है ओके या ब्रदर, नाइस टू मीट यू. अहिले आउँछु ल खाना खानु है. तो गाइस ये है पातोंग का नाइट स्ट्रीट मार्केट. वाओ कितना बड़ा मछली है देखो. यहाँ तो गाइस शोर शराबा बहुत ज्यादा. You have egg inside? Egg? No, inside noodle. Noodles. Glass noodle. Okay. Okay. It's a witchy. It's a halal noodle. Yeah. One steam, one fry. Oh, one steam, one fry. Yeah. Okay. Okay. My God. This. This go up. Where you from? I'm from India. India. Yeah. B2. Yeah, you know B2. I can eat this because my zodiac sign Scorpio. I'm a Scorpion, so I cannot eat this. Scorpion? Yeah. So guys, apna khana aa gaya special momo. What's your name? Tato momo. Namaste bhai. Namaste bhai. Okay, come. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट डे. गाइज कल तो होटल चेक इन करने के बाद फिर से मैं बाहर गया था एंड गाइज बाहर जाके मतलब ब्लॉग मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि गाइज इट वॉज लाइक सेम बिफोर जहाँ पर मैंने पता है मैं ब्लॉग वॉकिंग स्ट्रीट ऐसे नाइट लाइफ वगैरह सेम चीज़ें क्या दिखाऊँ बोलते ना, फिर मैंने ब्लॉग ऐसा ही डिसकंटिन्यू किया था तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड गाइज आज हम जा रहे हैं कहाँ पर पता है? आज हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए. एंड गाइज स्कूबा डाइविंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा माया बे. एंड मुझे पता नहीं था कि माया बे जो है वो मतलब फीफी आइलैंड के तरफ ही पड़ेगा. तो गाइज कल हम आए फीफी आइलैंड से, फिर आज फीफी आइलैंड की तरफ ही जा रहा हूँ. तो चलो गाइज आज का दिन कैसा होता है देखते हैं. एंड अभी बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली हमारे साथ में. गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है सच्ची में, देखो धूप कितना तेज़ है. गाइस समुंदर में ना कुछ कुछ मछलियाँ कुछ कुछ कीड़े बहुत डेंजरस बहुत मतलब पॉइजनस भी होते हैं. और इनमें से ना ये पता नहीं इसका नाम तो क्या है, ये बहुत ख़तरनाक होता है. अगर इसमें आप पाव रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा जलन बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब ऑलमोस्ट वन मंथ या फिर कितने दिन तक आप लोगों को पेन होगा इससे. सो थोड़ा बहुत डेंजरस भी है, दिखने में डर लगता है देखो. हेलो गाइस इट्स बोर्डिंग टाइम. फिर से स्पीड बोर्ड में बात
If you want snorkeling, stay on the boat. Sit down. Guys, finally, अभी हम पहुंच गए हैं माया बे. यहाँ पर बहुत ही अच्छा बीच है देखो. चलिए अभी माया बे तो पहुंच गए. एंड गाइस यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं. शायद अभी फिर से दूसरा गाड़ी में जाना पड़ेगा कहीं नेक्स्ट लोकेशन पे. वी गो इन द कार. हाउ लॉन्ग ड्राइव वी गो. मुझे पता नहीं था कि मतलब इसको डाइविंग करने के लिए ऐसे ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा. मुझे लग रहा है कि अभी मैं संदकपू या फिर लद्दाख जा रहा हूँ. देखो भाई रास्ता और वी गोइंग लाइक लोकल. हमारे विलेज में भी पहले मैं ऐसे ही जाता था. इट फील्स गुड. हे ब्रदर हियर. या ओके वी स्टॉप हियर. पहुंच गए गाइस अपना डेस्टिनेशन. या या डोंट पिक अप यू कैन टेक अप इट इफ यू हैव इनसाइड. Check it out, like that, okay? Ah! Yeah. Yes. Feels like... I feel like... Now I became a Spider-Man. You did it first time? First time. Yeah. Don't afraid. Relax. Yeah. My name is Asmati. Asmati. Yeah, because when you use nose, right? What? Your mask, you have four feet. Is, have two. Yeah. Huh? One is 4-7. Yeah. Like this. To equalizing or yeah. Equalization every few meter what? But when you go up, no need to do anything. Your ear will have automatically. Balloon. Okay. 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 Guys, look at how heavy ओ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं माउंट एवरेस्ट जाने जा रहा हूँ इतना सिलेंडर ऑक्सीजन लेके. लेकिन मैं गाइस ऊपर नहीं अभी पानी के नीचे जा रहा हूँ. इट्स अमेजिंग. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. मैंने ये सीन देखा था तब मुझे मतलब ये करने का मन था. एंड आफ्टर दैट आप लोगों को पता है स्काई डाइविंग मेरा नंबर वन एडवेंचर बकेट लिस्ट में है. मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है गाइस. सो गाइस फाइनली सब कुछ सेट हो गया एंड मुझे बड़ा वाला चप्पल भी मिल गया. चलो बहुत भारी है भाई. एंड एन ओ गाइस आई एम विद मिस्टर एन. ही इज माय डाइविंग इंस्ट्रक्टर. यूट्यूबर मैन. या या यूट्यूबर. यस. हेलो हेलो डन नाइ. या यूट्यूबर. या ओके खपन खराब कबूत खराब. ये हो गया खराब. खा ले खराब. अब दूसरा चेंज करो. हो गया खराब. ये hey this should not happen in underwater. Yeah. Okay, is it safe? Yeah. Wait moment. This should not happen underwater. If it go then gone. Yeah. Actually iska belt toot gaya guys dekho. Okay. What's your name? My name is Nas. Huh? Nas. Yeah. Okay. Nas Mati. Take photo. Okay. Lay down. Okay. I'm getting like. Okay. Okay. One more. शूज पहना रहेगा इस देखो. व्हाट वी कॉल दिस. फिन फिन फिन. ए ओके फिन. ए 1 2 3 ये ओके 1 2 3
थोड़ा देर ही किया, ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि ना मेरा एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, इसलिए ज़्यादा दर्द किया मेरे कान के अंदर। आई कुड नॉट डू इट। सो इस बार पानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कान में, एंड इट वॉज लाइक रियली पेनफुल। अभी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे तरह से करूँगा, बहुत इंजॉय करूँगा आज पानी के अंदर, लेकिन भाई नहीं हो पाया। Too much pain. Wait. Like too much pain. Yeah, I did. I tried. No, not try. Just one. If you are not feel good already, right? Yeah. अभी तक कान दर्द कर रहा है। इतना ज़्यादा पेन था ना, क्या बताऊँ यार। चलो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर स्विमिंग कर लेते हैं। कान दर्द कर रहा है, अभी तक सोचा नहीं था गाइस स्कूबा डाइविंग करने के बाद ऐसा होगा मेरा हाल। भी आज का एक्टिविटी हो गया ख़त्म, मतलब आधा में मैंने क्विट कर दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आप लोग पता है। अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत ओनली राइट साइड का, लेफ्ट साइड का ठीक है ना, राइट साइड का पेन कर रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सो गाइस फाइनली अभी स्कूबा डाइविंग करने के बाद ना खाना मिला है, एंड पानी के अंदर पूरा घुसने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो गया, एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है गाइस। खाना भी अच्छा है। लेग पीस तो बनता है गाइस। खाना भी हो गया कंप्लीट, और गाइस देखो बाहर अभी शुरू हो गया बारिश, हल्का सा बारिश हो रहा है। सब कुछ हो गए, अभी हम जा रहे हैं बीच में, वहाँ पर थोड़ा बहुत स्नॉर्कलिंग स्विमिंग वगैरह करेंगे। अभी तो मौसम के अनुसार यहाँ पर तो बारिश हो रहा है, तो शायद अभी बीच वेव साइड में नहीं जाने का अलाव नहीं होगा, वहाँ पर ना रेड फ्लैग लगा दिया होगा क्योंकि अभी वेव्स बहुत ज़्यादा होगा बारिश में ना। देखिए क्या क्या होगा, मौसम अच्छा है, गर्मी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड मुझे पता है कि क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो लेट्स गो एंड सी। भाई ये क्या है, क्रोकोडाइल है? क्रोकोडाइल नहीं है, चला गया चला गया भाई, बहुत खतरनाक दिख रहा है एकदम। अभी हम पहुंच गए हैं बीच एरिया में। तो गाइस देखो सब लोग मजे ले रहे हैं, तो हम भी थोड़ी देर मजे ले लेते हैं। अभी इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं रेंट में 200 बात का। या ओके 200 का 200 थैंक यू एंड थैंक यू। सो चलो गाइस ये कैसे करते मुझे आइडिया तो नहीं है, फिर भी दूसरों को देख के आई विल डू इट। हर चीज़ दूसरों को देख के ही सीखा जाता है ना। तो चलो मैं सोचा था कि ये पैर में बांध देंगे, लेकिन ये एक्चुअली पैर में नहीं गाइस, हाथ में बांधते हैं। ओह माय गॉड पानी आ रहा है। गाइज अभी देखो ऐसे ब्रिज से चल के आना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ना पानी का वेव बहुत ज़्यादा है। और ये देखो ये बोट को देखो इतना हिल रहा है, ओ भाई ऐसे ऐसे हिल रहा है, हम भी हिल रहे गाइज देखो, मतलब हवा में उड़ा हो रहा है अभी। सो हेलो गाइज, अभी हम नेक्स्ट बीच में आ चुके हैं, एंड ये बीच का नाम है काहुंग बीच। कोकोनट ट्री भी है गाइज यहाँ पर, देखो काहुंग बीच।
एंड गाइस यहाँ पर ना सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है, यहाँ पर हॉर्नबिल है गाइस, हॉर्नबिल। तो गाइज फाइनली अभी देखते देखते शाम भी हो गया है एंड गाइज मैं बैक टू होटल आ चुका हूँ। और अभी ना मेरा सारा सामान पैकिंग वैकिंग करना है क्योंकि मेरा कल सुबह बहुत जल्दी सुबह का ही फ्लाइट है। सो टुमारो आई एम गोइंग बैक टू बैंकॉक एंड बैंकॉक में मतलब घूमेंगे नहीं, जस्ट रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। ना गाइज मतलब थाईलैंड में आने के बाद मैंने एक भी शॉपिंग कुछ भी नहीं खरीदा है, तो कुछ चीज़ें खरीद लेंगे बैंकॉक में, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा ना सामान दिल्ली में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान है। मैं सोच रहा हूँ कि वो सामान घर के चले, इतना ज़्यादा सामान है फ्लाइट में तो एक्स्ट्रा पैसे तो मुझे देना ही पड़ेगा सच्ची में। तो चलो थाईलैंड का ट्रिप अच्छा रहा। तो गाइज अभी आज लास्ट नाइट फुकेत, मतलब आज लास्ट नाइट है पातोंग में, कल हम पहुंच जाएंगे बैंकॉक, उसके बाद पहुंच जाएंगे दिल्ली। चलो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।